थोड़ा सा पीछे जाओ ताकि मैं अच्छी दिखूं यार। क्या पूछ रहे थे? बिग बॉस? बिग बॉस देख रहे हो आप? क्या अच्छा लग रहा है? कौन अच्छा लग रहा है? पूजा देखने के लिए क्या है जो जिसको देखना था वो तो बाहर है। इतनी अच्छी किसेस चल रही थी लेकिन लोग कह रहे हैं पूजा भट्ट से कोई कंपैरिजन हो सकता है किसी का और टक्कर दे सकता तो वो सिर्फ राखी है। तो भिड़ा दो पूजा भट्ट से मुझे अंदर। आपको बस जल्दी जाना चाहिए क्योंकि और तो कुछ है नहीं। पूजा भट्ट की तो मैं बचपन से फैन हूँ। जिस तरह उन्होंने महेश भट्ट जी को सुम्मा दिया था बाप बेटी ने, ओ माय गॉड, आई कांट फॉरगेट दैट। मैं अपने पापा को जाके बोली कि मुझे पूजा भट्ट जैसा ही पापा मुझे ऐसा चुम्मी चाहिए। पापा ने बहुत मारा डंडे डंडे से। पापा ने बहुत डंडे से मारा। तो आपकी फेवरेट कौन है इस समय? मनीषा, वेदिका, पूजा, आकांक्षा तो निकल गई है उनका, अभिषेक। ये पूजा भट्ट मेरी फेवरेट है, शी इज वेरी ऑनेस्ट। बट पूजा भट्ट को भिड़ने के लिए कोई मिल नहीं रहा है। मैं होती तो भिड़ जाती। लेडी डॉन टाइप लगती है पूजा भट्ट। आपको बुलाएगी? हाँ भाई, मैं हर साल तो जाती हूँ, अभी इस साल का मालूम है। पूजा के साथ फाइनल में भिड़ोगे आप ऐसा लग रहा है? मुझे नहीं पता। ओटीटी के बाद वाले इस बार अगर मैं गई बिग बॉस में तो फाड़ के रख दूंगी सब, रियली, क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है मुझे अभी। ये लोग अंदर जाते पिकनिक मनाते हैं यार, क्या करते हैं समझ में नहीं आता। कुछ मसाला देंगे तो वो लोग अच्छा एडिट करके दिखाएंगे, और जो मसाला दे रही थी उसको तो निकाल दिया। अच्छा सच में चाहेंगे तब क्या होगा? भरत पूजा भट्ट की तो बाप रे वाओ, शी इज अमेजिंग ना पूजा भट्ट। पर आपको आपको उनका कोई कॉम्पिटिटर लग रहा है जो आप अगर रैंक करोगे? पूजा भट्ट की कॉम्पिटिटर सिर्फ एक ही है, राखी सावंत। मेरी क्लोन हजार आ सकती है। पर इस शो में कोई लग रहा है मतलब कि मतलब कोई टक्कर दे पा रहा है या सारे लोग बस कंपैरिजन कुछ है नहीं उनके साथ किसी का? नहीं, दूसरे तो पता नहीं, लोला पाठा में घुसे हुए मतलब। ये सीजन में आपको मजा नहीं आ रहा? मैंने तो बोला ही नहीं है सीजन में मजा नहीं आ रहा। बिग बॉस बिग बॉस है, बिग बॉस बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे भिड़ाना चाहिए बिग बॉस ने। बिग बॉस पागल हो गया है, बिग बॉस को मुझसे कास्टिंग करवानी चाहिए, मैं कास्टिंग करना चाहता हूँ। इन तीन लोगों को राखी अगर आप होते तो अभी कास्ट करते, अभी भेजते, कौन से तीन लोग बिग बॉस में? आप अभी अगर टीवी से और बॉलीवुड से अगर तीन लोगों को भेजना होता तो किसको किसको भेजते आप? या आपकी लिस्ट क्या होती? ये अभी एक बंदा था ना जो किसी पे पेशाब किया था। नहीं नहीं, वो एमपी एमपी निकल लिया ऊपर, एमपी वाला, एमपी वाला। हाँ हाँ, रवेश शुक्ला। हाँ, इसको चप्पल के हाथ पिना पिना के, इसको पीट पीट के, लात घुसे मार मार के उसको अंदर डालते हैं। और सबको बोलते सलमान भाई तो इसकी बैंड बजा दे, ये तो आम पब्लिक से हो गया। और इसको खाना नहीं देते टास्क में, एक जेल में है ना, पूरा सीजन बंद करके रखते हैं। और खाने में इसको चप्पल झाड़ू देते बेचारे किसी, यू नो, इसने ऐसा गंदगी किया था। और कौन है आप बताओ? जैसे शमिता गई थी तो लोगों को बहुत था कि कुछ निकलेगा, क्योंकि इस समय बहुत कुछ राज कुंद्रा शिल्पा का चल रहा था, ऐसे कौन लगता है इस समय बॉलीवुड से जाना चाहिए? मुझे लगता है राज कुंद्रा भाई को डालना चाहिए। नहीं, राज कुंद्रा, बिकॉज जितने वो कॉन्ट्रोवर्शियल है उनके एक एक डायलॉग है ना, मुझे यही पूछना कि वो जो मास्क लाते वो कहाँ से लाते, हर रोज ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, और क्यों मुंह छुपा रहे मेरा भाई? He's amazing guy, डरने का क्यों है? डरना क्यों है? कोई हमाम में सब नंगे और कोई दूध का धुला नहीं है। मैम इसके एक फोटो निकाल लो। हाँ, एक फोटो आप देख रहे हो, मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। और राज के साथ जोड़ी किसकी जमती बनती? चलो जल्दी आ जाओ। अभी डायलॉग भूल गई ना मैं, अभी डायलॉग भूल गई मैं, क्या बोलना था? अपने चार बाल खड़े करके